फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। देखिए, एसएससी एमटीएस 2019 टायर टू आपका एग्ज़ाम 24 नवंबर को है, और बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट थे कि जेल पेन लेके जाना है या नहीं, ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन कौन सा लेके जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट लेके जानी है और पेंसिल लेके जाएँ या ना जाएँ। देखिए, सबसे पहले बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि जेल पेन बिल्कुल नहीं लेके जाना। जेल पेन से आपको लिखने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है? और अगर आप लिख के आते हो तो कांटा मारा जाएगा। लास्ट टाइम हुआ यही था कि एक स्टूडेंट था, वो जेल पेन से लिखाया और उसको मार्क्स 0 मिले हैं। तो जेल पेन से आपका अलाउड नहीं होता। अब देखिए आगे, काला पेन या ब्लू पेन, देखिए दोनों में से कोई एक ले जा सकते हैं। या तो आप ब्लैक पेन ले जा सकते हैं, आप ब्लू पेन लेके जा सकते हैं, या मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप एक 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 पेन ब्लू ले जाइए और एक पेन ब्लैक ले जाइए। इसके अलावा पेंसिल, देखिए पेंसिल आपको ज़रूर ले जानी है, पेंसिल और साथ में रबड़ तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि रबड़ नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो पेंसिल और रबड़ आपको चाहिए। इससे होगा क्या, आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। एक डाउट था स्टूडेंट का कि दोनों में से आपको कौन सा लिखना है, आप कोई मर्जी लिख सकते हो। आपको एक ही चीज़ लिखनी है, तो लेटर लिखना है या फिर ऐसे लिखना है, जो भी आपके पास आएगा। 30 मिनट का टाइम है, तो होगा ये पेंसिल से आपको लिखना है वो, और हल्के हाथों से लिखना है। पेंसिल आप पहले से शार्प करके जाइएगा, ठीक है? और हल्के हाथों से आपको जो है वो लिखना है पेंसिल के साथ, ताकि मिस्टेक्स ना हो। बस आपको एक वहाँ पर थोड़ा सा दिखाना है कि मैंने हाँ ये भरा हुआ है, और फटाफट से उनको मिटा के आपको एक अलाइनमेंट में सारी चीज़ें लिखनी है, ठीक है? भले ही क्वालिफाइंग हो, पर आपको अच्छे मार्क्स अपनी तरफ से लेने हैं इसमें, ठीक है? और डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ, एक एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए। एडमिट कार्ड में आपका मतलब वो सारा कुछ दिखना चाहिए, फ़ोटो वगैरह सही से। इसके अलावा एक पासपोर्ट साइज आपको फ़ोटो लेनी है कलर्ड, और इसके साथ ही आपको एक वो चाहिए, ठीक है? कोई भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ स्पेशली मेंशन हो। और अगर आपके पास ऐसा ही कार्ड है जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन ना हो, तो साथ में एक सर्टिफिकेट ले जाइएगा, वैलिड होना चाहिए वो, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। जैसे 10th का सर्टिफिकेट है, उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है। कोई भी ले जाइएगा, आप वोटर कार्ड ले जाइएगा, आधार कार्ड ले जाइएगा, आधार कार्ड में आपकी होती है। तो भाई, ऑल द बेस्ट सभी को जो लोग एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं। तो इसके साथ ही ठीक है, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल योर क्वेरीज। और इसके साथ ही भाई, अभी भी 1.5 दिन आपके पास बचा हुआ है, थोड़ा सा आज का बचा हुआ है और कल का भी पूरा दिन बचा हुआ है। तो एक क्विक रीज़न आप कर सकते हैं थोड़े से टाइम में। तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट बुक्स मैंने बनाई हुई हैं, इंग्लिश में भी हैं और हिंदी में भी हैं। ये कंप्लीट है, आपके 400 ऐसे लेटर्स हैं इसमें, सारा का सारा फॉर्मेट आपको दिया हुआ है। और हिंदी में भी ये बुक है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए, ये पहले हिंदी में दिखा देता हूँ आपको। इसमें कंप्लीट आपको ऐसे मिलेंगे, इसमें सब कुछ आपके लेटेस्ट टॉपिक हैं, और साथ में वो भी मिलेंगे, पैराग्राफ्स भी आपको मिलेंगे और लेटर्स भी आपको मिलेंगे। और ये इंग्लिश में भी बुक है, इंग्लिश में आपके 400+ लेटर्स और ऐसे हैं इसमें, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है ये। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल्स दी हुई है यहाँ पे, दिए हुए हैं लेटर्स के फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, और बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, फॉर्मेट भी आपको मिल जाएंगे। मैंने हर चीज़ इसमें अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, ठीक? सो इफ़ यू वांट दिस पीडीएफ, देन यू कैन चेक एंड यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू योर नीड। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।